हेलो, इस पार्ट में हम सीखेंगे कि स्पीकिंग सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, मतलब कितनी तरह की सिचुएशंस में हमें स्पीकिंग करनी पड़ सकती हैं ताकि हम उस हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो बेटा, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो काइंड्स बयान की जाते हैं स्पीकिंग स्किल्स की, वो तीन हैं। पहला, इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन, पार्शियली इंटरेक्टिव सिचुएशंस और नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन। ये सिचुएशन क्यों जानना ज़रूरी है बेटा? क्योंकि जब हमें स्पीकिंग हक के बारे में मालूमात होगी, उसके ग्राउंड्स के बारे में मालूमात होगी, तभी तो हम उसको इनहेंस कर सकेंगे, उसे बेहतर बना सकेंगे। तो हमारे पास नॉर्मली तीन तरह के सिचुएशंस होती हैं स्पीकिंग के लिए। एक इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन, पार्शियली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब ये कि जब आप किसी से ताल्लुक़ कायम कर रहे हो, किसी के साथ खड़े हुए हों, या कोई आपकी बात का जवाब आप देता हो। सही, तो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। ऐसे इंटरेक्टिव कहते हैं कि या तो आपकी फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही हो या आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही हो, दोनों इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशंस कहलाती हैं। क्यों? इस सिचुएशन में टू वे प्रोसेस हो रहा होता है। इंटरेक्शन किस तरह हो रहा होता है? आप स्पीकिंग भी कर रहे होते हैं और लिसनिंग भी कर रहे होते हैं। स्पीकिंग भी कर रहे होते हैं, लिसनिंग भी कर रहे होते हैं। इन अ क्लासरूम, टीचर बोल रहा होता है, स्टूडेंट सुन रहे होते हैं, स्टूडेंट सवाल करते हैं, टीचर जवाब देता है। सही है। इन अ मीटिंग, दो पर्सन है, तीन पर्सन है, चार पर्सन है, आपस में चीज़ों पर डिस्कस कर रहे होते हैं। सही है। मार्केट में हम कुछ खरीदने जाते हैं तो टू वे स्पीकिंग हो रही होती है। हम एक बात बोल रहे होते हैं, हमें एक बात कह रहा होता है। सही है। तो हम बोल भी रहे होते हैं इस सिचुएशन में और सुन भी रहे होते हैं, तो वही भी बात रिपीट करके। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बात रिपीट की जा सकती है, बात को दोबारा समझाया जा सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है। दूसरा सेशन क्या होता है? पार्शियली इंटरेक्टिव सिचुएशन में क्या होता है? इसमें आप ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऑडियंस के पास कब अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपकी आपसे इंटरेक्ट कर सकें, मतलब आपसे बात कर सकें। मतलब जैसे आप किसी प्रोग्राम में खड़े हुए हैं और वहाँ आप बात कर रहे हैं और ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, तो वहाँ आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप ऑडियंस के चेहरों को पढ़ सकें और उसके मुताबिक अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें। मतलब अगर ऑडियंस बोर हो रही है तो आपने कौन सी ट्यून इस्तेमाल करनी है, कौन से अल्फाज का चुनाव करना है, वहाँ पे ये देखेंगे हम। सही है। और ऑडियंस हमारी बात से खुश हो रही है तो ऐसा नहीं वो बात बार बार रिपीट करना शुरू कर दें। पहली बार खुश हो गई तो अब हमें अगला सोचना है कि इस बात को रिपीट करके हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमने देखनी है। तो ऐसा कोई भी हो गया, ये पार्शियल इंटरेक्टिव सिचुएशन हो गई जहाँ पे ऑडियंस के पास ज़्यादा मौका नहीं होता वो आपसे बात कर सकें, लेकिन वो आपसे बात कर भी सकते हैं किसी सूरत में। सही। तीसरा वाला जो होता है, नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन, लाइक मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज देता हूँ, ये नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन है। सही है। या स्पीचेस कुछ भी हम रिकॉर्ड करके भेज दें जिसमें आपके पास बिल्कुल भी चांस नहीं होता कि ड्यूरिंग द कोई इंटरप्शन होगी, कोई आपको टोकेगा बात करते हुए, तो वो चीज़ कहलाती है नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन। सही। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है कि आपके कम्युनिकेशन में, बिजनेस इंटरेक्शन में, तो आपको इन्फ्लुएंटली, इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली, मतलब फ्लुएंटली बिल्कुल रवानी से, इफेक्टिवली पुरसर एंड कॉन्फिडेंटली पुरएतमाद होकर कम्युनिकेशन करनी है, तो ये की टू सक्सेस बन जाता है। तीन चीज़ हमने कहा, फ्लुएंटली बग़ैर रुके, आपकी बात अल्फाज आपके पास इतने सारे हों कि आप अपनी बात को सही से बयान कर सकें, इफेक्टिवली वो अल्फाज बहुत पुरकशिश हों, और तीसरा कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद, वो अल्फाज बिल्कुल हकीकत से नज़र रखते हों। ठीक है बेटा, ये एक और पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ।